Welcome to AFN Coaching YouTube classes. Do you want to crack Polytechnic entrance exam? Do you want to crack lateral entry exam? Or do you want a job? We are here to help you. We provide coaching for Polytechnic admission tests, semester classes for all the branches, lateral entry exam, RRB, SSC, APSC, APDCL coaching for junior engineers. We have the best faculties and great mentors. Every year, different students from different places either crack the entry exams or get the desired jobs with the help of our coaching. So, are you one of them? Yes, you are. So, join us, subscribe to our channel or visit us. Hello everyone, welcome back to AFN Coaching YouTube channel. तो पिछले क्लास में हमने स्टोन एज पढ़ा था. स्टोन एज ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था, कुछ एक दो पोर्शन हमारे बाकी थे. तो आज हम उस पोर्शन को भी देख लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ. तो देखिए, सबसे पहले तो हम एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं. तो स्टोन एज कितने भागों में था? पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और क्या था? नियोलिथिक एज. पूरा नाम लिख के मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी. तो पैलियोलिथिक एज कब का था? बिफोर 10,000 BC, है ना? बिफोर 10,000 BC का था. मेसोलिथिक एज कब का है? 10,000 से 6,000 BC के बीच में. और नियोलिथिक एज कब का है? 6,000 से 4,000 के बीच में. पैलियोलिथिक में क्या होता था? बड़े पत्थरों से हम हंटिंग या गैदरिंग करते थे. मेसोलिथिक में क्या हुआ? मेसोलिथिक में हमने बो एंड एरो का आविष्कार किया, भाले का आविष्कार किया, स्पीयर एंड बो एंड एरो, तीर धनुष, इन सब का आविष्कार किया, छोटे पत्थरों का इस्तेमाल किया और क्या किया? फार हंटिंग और फिशिंग इंक्लूड किया. हंटिंग और गैदरिंग था, हमने फिशिंग और फार हंटिंग भी इंक्लूड कर लिया. और क्या हुआ था मेसोलिथिक टाइम पीरियड में? हमारे पास टाइम बचा हुआ था तो हमने क्या किया? आर्ट एंड क्राफ्ट में ध्यान दिया और माइक्रोलिथ्स की मदद से, किसके मदद से? माइक्रोलिथ्स के मदद से हमने केव पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट किया. माइक्रोलिथ्स क्या है? 5 सेंटीमीटर या उससे छोटे जो पत्थरों के साइज से बने हुए हैंड टूल्स थे जिससे हम पेंटिंग वगैरह कर सकते थे, वो क्या है? माइक्रोलिथ्स हैं. M फॉर माइक्रोलिथ, M फॉर मेसोलिथिक. ये सब हमने पिछले क्लास में ही पढ़ लिया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पहले उस वीडियो को पूरा देख ले, उसके बाद इस वीडियो पे आए, वरना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा. फिर नियोलिथिक एज में क्या हुआ? हाँ, यहाँ पे क्या हुआ था? अगर कोई मर जाता है तो उसको हम डायरेक्ट गाड़ देते हैं, वी डायरेक्टली ग्रेव इन टू ग्राउंड. तो मेसोलिथिक में था. नियोलिथिक में क्या हुआ? हमारे अटैचमेंट्स बढ़ गए, हमारे फैमिलीज के लिए प्यार बढ़ गया. तो हमने क्या किया? हमने अर्न्स के अंदर, अर्न्स यानी कि बड़े से पॉट के अंदर क्या किया? डेड बॉडीज को डाला और फिर उनको गाड़ना स्टार्ट किया. अब अर्न्स कैसे बना? अर्न्स बना फ्रॉम पॉटरी. पॉटरी में क्या चाहिए? व्हील्स. तो हमें क्या पता चल रहा है कि नियोलिथिक एज में व्हील्स का इन्वेंशन हो गया था. ट्रांसपोर्टेशन, क्लोदिंग वगैरह हमने सब स्टार्ट कर दिया था. तो ये है एक क्विक रिविजन. इसके अलावा आज हम एक दो और पॉइंट देख लेंगे. आज का पॉइंट एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत क्वेश्चंस मैंने देखा है. बुर्जाहोम और भीमबेटका, आपने नाम सुने होंगे, आपने कभी टीवी में इन दोनों नामों को देखा होगा. बुर्जाहोम एंड भीमबेटका, ये दो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं. ये है जम्मू एंड कश्मीर में और ये है मध्य प्रदेश में. जो भीमबेटका है ये एक केव पेंटिंग का एग्जाम्पल है. एक केव पेंटिंग है, ये क्या है? केव पेंटिंग है. ये नॉर्मल आर्कियोलॉजिकल साइट है और ये एक केव पेंटिंग है. ये कौन सा टाइम दिखाता है? ये दिखाता है मेसोलिथिक टाइम. क्या दिखाता है? मेसोलिथिक टाइम पीरियड दिखाता है. और ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है नियोलिथिक टाइम पीरियड. बुर्जाहोम हमें नियोलिथिक एज के बारे में दिखाता है और भीमबेटका हमें मेसोलिथिक टाइम पीरियड के बारे में दिखाता है. मेसोलिथिक यानी कि
10,000 to 6,000, नियोलिथिक यानी कि 6,000 to 4,000। तो अगर आपको ऐसे डेट्स भी आते हैं, डेट्स भी आ सकते हैं, टाइम पीरियड भी आ सकता है कि बुरजाहों कौन से टाइम पीरियड में पाया गया है, भीमबेटका कौन से टाइम पीरियड में पाया गया है, डायरेक्ट नाम नहीं पूछ के आपको डायरेक्ट टाइम पीरियड दे देगा, तभी भी आप बता पाएंगे कहाँ पे है ये, मध्य प्रदेश में, ये कहाँ है जम्मू एंड कश्मीर में, ये भी आ सकता है। और ये क्या है, एक नॉर्मल आर्कियोलॉजिकल साइट है जहाँ पे उस टाइम की चीज़ें पाई गई थी, और भीमबेटका क्या है, केव पेंटिंग है। तो ये है हमारा पूरा स्टोन एज, इतना ही हमें चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। आपने मुझे किसी ने कमेंट्स में पूछा था कि ये सब किस एग्ज़ाम में हेल्प हो सकता है, तो मैं बता दूँ SSC हो, RRB हो, स्टेट लेवल हो, किसी भी जॉब में इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा कोई जॉब नहीं है जहाँ पे अगर आपका एग्ज़ाम होता है, तो अगर आपको एग्ज़ाम में रिटन एग्ज़ाम होता है और जनरल नॉलेज अगर एक पार्ट है, तो ये किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। रही बात आपको कौन सा पोर्शन चाहिए, तो मैंने वही पोर्शन चूज़ किया है। अगर आप पूरी डिटेल्स में जाएंगे, अगर UPSC वगैरह के लिए जाएंगे, तो शायद इससे भी ज़्यादा डिटेल्स आपको ज़रूरत होगी। लेकिन मैक्सिमम मैं अगर एकदम स्टेट लेवल से बात करूँ, SSC या RRB तक का, इतना आपको इससे ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने हर एक पॉइंट को अच्छे से जितना ज़रूरत है उतना समझा दिया है। अगला हम क्या करेंगे, अगला हम जाएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, सबसे पहले तो आप बात समझ लीजिए कि हमने क्या किया, स्टोन एज किया। ये टाइमलाइन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। टाइमलाइन अगर आपको याद रह गया तो आप बहुत सारे चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। बस किस बहुत स्टूडेंट्स को टाइमलाइन ही याद नहीं रहते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, स्टोन एज का टाइम पढ़ा, फिर हम क्या पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, धीरे धीरे हम इस चार्ट को बढ़ा देंगे, आज अभी तो यहीं तक है, तो इसको देख लेते हैं। आज क्या देखेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो देखिए आपने नियोलिथिक में क्या किया, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। तो सपोज मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूँ, ये हमारा इंडिया है, रफ दिवर्स डायग्राम में भी, लेकिन बस एक एग्जांपल के लिए समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या है, समुद्र है, इस तरफ समुद्र है, इस तरफ हिमालयाज है, और यहाँ पे बह रही हैं नदियाँ। ठीक है, तो मैं आपको चार ऑप्शन दे रही हूँ, मैं आपको टोटल पे चार ऑप्शन दे रही हूँ कि इन चारों ऑप्शंस में आप एग्रीकल्चर कहाँ करना पसंद करेंगे, जहाँ नदियाँ बह रही हैं वहाँ, जहाँ समुद्र है वहाँ, या जहाँ हिमालयाज है वहाँ पे। तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, जहाँ पे नदियाँ हैं वहाँ। तो बस इतना याद रख लीजिए कि ये जो एरिया है, ये होगा हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा एरिया। इसी एरिए में हमने क्या करना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि जो लोग थे उनको चाहिए था पानी फॉर एग्रीकल्चर एंड टू सर्वाइव। जो चीज़ हमें इस पोर्शन में, जो मैंने दिखाया उस पोर्शन में हमें मिल रहा था, बहुत ही अच्छे अमाउंट में मिल रहा था, तो वहाँ पे हमने रहना स्टार्ट किया, अपना पूरा एक सिविलाइजेशन बनाया, एक पूरा एक सोसाइटी बनाया, और क्या किया, वहाँ पे एग्रीकल्चर हमने स्टार्ट कर दिया। अब देखिए, पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन समझने से पहले हमें उसका टाइम पीरियड जानना है। तो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है, वो है 2500 BC से 1750 BC। अब ये जो टाइम पीरियड है, ये कहीं कहीं 100 इधर और 100 उधर भी हो सकते हैं, यानी कि 1920 हो सकते हैं। ये क्या हो सकता है, 2600 भी हो सकता है, ये 1850 भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई भी एग्जैक्ट प्रूफ नहीं मिला है, कोई भी एग्जैक्ट ऐसा टाइम पीरियड का प्रूफ नहीं मिला है। तो आपको हर किताब में ये चीज़ अलग अलग मिलेगा, लेकिन 98% में ये लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसी को कंसिडर करना है, और कोई भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। अगर आपको कोई और ऑप्शन आता है, तो आप इसके अगल बगल से सोच के आप आंसर दे सकते हैं, यानी कि 100 इधर 100 उधर आप जोड़ के कर लेंगे। मैक्सिमम हम ये पकड़ लेंगे कि 2500 BC से 1750 BC का जो टाइम पीरियड है,
वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड। ठीक है, अब ये जो इंडस शब्द है, ये सब देखिए ये सब स्टैटिक क्वेश्चन है। जब मैं पूरा कॉन्सेप्ट में जाऊंगी तब ये स्टैटिक क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी, अभी आप स्टैटिक क्वेश्चन सब कर लीजिए। इंडस जो टर्म है ये किसने दिया था? जॉन मार्शल ने दिया है। किसने? जॉन मार्शल। ये सब स्टैटिक क्वेश्चंस है, आपको डायरेक्टली आ सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंडस जो शब्द है इसको कौन दिया है? हु कॉइंड द टर्म, हु कॉइंड द टर्म इंडस? तो क्या होगा आंसर? जॉन मार्शल। ठीक है, टाइम पीरियड क्या है? 2500 बीसी से 1750 बीसी के बीच का टाइम। अब देखिए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब मैं आपको जैसे बताऊंगी वैसे अगर आप ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे तो पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका कवर हो जाएगा। अब मैं आपको जो भी क्वेश्चन पूछती हूँ आप उसका सिर्फ पॉजिटिव वे में ही आंसर देंगे। पॉजिटिव यानी कि अच्छे आंसर देंगे, नेगेटिव को हटा देंगे, सारे जो बुरे बुरे थॉट्स आएंगे उसको कैंसिल करके आप सिर्फ अच्छे थॉट्स के साथ जाएंगे, उसका आंसर देंगे। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि जो उसके सोशल लाइफ होंगे, सोशल लाइफ यानी कि जो सोसाइटी होगी, जो घर वगैरह होंगे, जो लिविंग प्रोसीजर होगा वो कैसा होगा? वो गांव वाला होगा या शहर वाला होगा? गांव वाला यानी कि रूरल होगा या अर्बन होगा, बताइए। इसको छोड़िए, ऐसे ही मुझे बताइए आप ये क्या सोचते होंगे कि उस टाइम पे, पता नहीं 2500 से 1700 के बीच का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पे क्या लोग शहर के जैसे रहते थे, शहरी ढंग में रहते थे या गांव के ढंग पे रहते थे? तो आपके दिमाग में, मुझे बहुत अच्छे से पता है 99% बच्चों के दिमाग में आएगा रूरल, लेकिन मैंने आपको क्या कहा है? पॉजिटिव रहना है, सिर्फ पॉजिटिव आंसर देना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अर्बन। समझ में आया? अब बाकी आप खुद बताएंगे, ये वाला तो मैंने बता दिया, अब आपको नेक्स्ट खुद बताना है। ये क्या है? सोशल लाइफ कैसा हुआ इनका, रूरल या अर्बन? अर्बन हुआ। अब उनके घर कैसे होंगे, होम वगैरह, घर वगैरह कैसे होंगे? ब्रिक से बने हुए होंगे या मिट्टी के बने हुए होंगे? ईंटे के बने हुए होंगे या मिट्टी के लीपापोत से बनाया हुआ होगा? आप बताइए। पॉजिटिव रहना है तो ऑब्वियसली ब्रिक से बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए, अगर ब्रिक है तो ब्रिक कैसा है? क्या बेक्ड ब्रिक है या अनबेक्ड ब्रिक है? बताइए, सोचिए और बताइए कि क्या ब्रिक बेक्ड होंगे या अनबेक्ड होंगे? हमें पॉजिटिव रहना है तो क्या होगा आंसर? बेक्ड ब्रिक होगा। ठीक है, ये देखिए, ये एक एक क्वेश्चन है, डायरेक्टली आता है। सोशल लाइफ कैसा होगा? अर्बन होगा। हाउस इज मेड अप ऑफ व्हाट? ब्रिक। ब्रिक इज व्हाट, बेक्ड और अनबेक्ड? आंसर इज बेक्ड। नेक्स्ट आप बताइए, ड्रेन्स होंगे या नहीं होंगे? ड्रेन्स होंगे या नहीं होंगे? होंगे, ऑब्वियसली होंगे। ड्रेन्स हर घर के साथ कनेक्टेड होंगे? ऑब्वियसली होंगे, हम सब कुछ पॉजिटिव देख रहे हैं। कनेक्टेड या अनकनेक्टेड होंगे वो तो हमने देख ही लिया। कनेक्टेड और अनकनेक्टेड में क्या है आंसर? कनेक्टेड है। उसके अलावा ड्रेन्स जो होंगे वो कवर्ड ड्रेन्स होंगे या अनकवर्ड ड्रेन्स होंगे? मैं आपको दो ही ऑप्शन दे रही हूँ, आपको इनमें से पॉजिटिव आंसर बताना है, कवर्ड या अनकवर्ड। आंसर क्या होगा? कवर्ड ड्रेन्स होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा? सोशल लाइफ क्या है? अर्बन। हाउसेज आर मेड अप ऑफ ब्रिक, ब्रिक्स आर बेक्ड, ड्रेन्स आर कनेक्टेड टू ईच हाउस एंड आर कवर्ड। ये है आपके डायरेक्ट चार क्वेश्चन, और भी देखेंगे। देखिए, आई होप आपने इसको लिख लिया है, नहीं लिखा है तो आप बैक करके दोबारा लिख लीजिए। फिर जाते हैं हम लोग जो इकोनॉमी है,
वो कैसी होगी? ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ आएगी? प्लस है भाई, पॉजिटिव बात है तो ऊपर ऑब्वियस है, सब बात है कि ऊपर की तरफ जाएगी। नेक्स्ट, जो आपका पॉलिटिक्स होगा वो कैसा होगा? जो आपका पॉलिटिक्स होगा वो कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा? अच्छे पॉलिटिशियंस होंगे या करप्ट पॉलिटिशियंस होंगे? तो आपके अच्छे पॉलिटिशियंस होंगे। अब जहाँ पे पॉलिटिशियंस अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे ढंग से चल रहा है, वहाँ का कोई बात नहीं आता है, तो पॉलिटिक्स से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये मेरी गारंटी है। फिर देखिए अगला मैटर है रिलीजियस। अब देखिए रिलीजियस में क्या है, रिलीजियस का बात यह है कि वो लोग उसी चीज़ को भगवान मानते थे जिससे उनको खाना मिलता था। अब खाना किससे मिलता है? एग्रीकल्चर से मिलता है। अब जब आपको एग्रीकल्चर से खाना मिल रहा है, एग्रीकल्चर किससे हो, किसके वजह से हो रहा है? कैटल्स के वजह से एग्रीकल्चर हो पा रहा है, पॉसिबल हो पा रहा है। आप खेत जोने के लिए आप गाय बैल का इस्तेमाल करेंगे, तो कैटल्स के वजह से आपको मेनली खाना मिल रहा है, दूध मिल रहा है, खाना मिल रहा है, सब कुछ आपको कैटल से मिल रहा है। तो आप जो भगवान मानेंगे, इन्होंने क्या किया था, दो भागों में भगवान को बांट दिया था। एक थे मेल भगवान, एक थे फीमेल भगवान। एक क्या है, मेल, एक है फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल। अब मेल भगवान कौन थे? पशुपति। क्या नाम दिया था उन्होंने? पशुपति। पशु यानी कि कैटल्स, जानवर, उनका राजा पशुपति। इसके अलग भी और दो नाम हैं, शिवा या प्रोटो शिवा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये शिवा या फिर प्रोटो शिवा जो आज का हम भगवान शिव जो मानते हैं, लॉर्ड शिव जो हम जानते हैं, ये वो नहीं है, ये अलग है। ये पशुपति के ही दो अलग अलग नाम हैं। इनको आप आज के टाइम के लॉर्ड शिवा के साथ कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपके ऑप्शन में लॉर्ड शिवा होगा तो आपका वो आंसर नहीं होगा, आपके आंसर में सिर्फ पशुपति, शिवा या प्रोटो शिवा ही लगेगा, आगे लॉर्ड वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। ये बात आप एकदम ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। फिर फीमेल में कौन है? फीमेल में है मदर गॉडेस। कौन है? मदर गॉडेस। मैं आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं ऊपर लिख दे रही हूँ, मदर गॉडेस, ठीक है। फीमेल का नाम क्या है? मदर गॉडेस। मेल का नाम क्या है? पशुपति, शिवा या प्रोटो शिवा। तो ये देखिए 7 पॉइंट में आपने 7 आंसर बड़े ही आसानी से बिना किसी झंझट के दे दिया है। अगले क्लास में हम क्या करेंगे? अगले क्लास में हम और भी पॉइंट्स देखेंगे, ऐसे ही कहानियों में पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टर्न ऑन द बेल आइकॉन।